नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के क्वालिफायर वन मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। आपको बता दें, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने दिल्ली को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। इस दौरान पृथ्वी शॉ तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरुआती दो ओवरों में ही उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। शिखर धवन को इस दौरान बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी, लेकिन वो पृथ्वी शॉ को ही स्ट्राइक दे रहे थे और पृथ्वी शॉ बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे। पारी का चौथा ओवर लेकर आए जॉस हेजलवुड की पहली गेंद पर शिखर धवन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगा दिया। धवन भी फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड ने जोरदार वापसी की और एक लेंथ बॉल पर शिखर धवन को चारों खाने चित कर दिया। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर हल्की सी घूमी और शिखर धवन एज लगा बैठे और विकेटों के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने कोई गलती नहीं की और शिखर धवन 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। उन्होंने इस दौरान एक चौका लगाया। आपको बता दें, दिल्ली की टीम को पहला झटका पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लगा जब टीम का स्कोर 36 रन था। आपको बता दें, दोनों ही टीमें पिछले लीग मुकाबले में हार का सामना कर इस मुकाबले में उतरी थी और जिस अंदाज में दिल्ली की टीम ने धाकर शुरुआत की थी, वहीं चेन्नई की टीम ने भी चौथे ओवर में जोरदार वापसी की। जॉस हेजलवुड ने शानदार स्पेल दिखाते हुए शिखर धवन को आउट कर दिया। शिखर धवन का विकेट चेन्नई के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि धवन का रिकॉर्ड चेन्नई के खिलाफ बेहद शानदार रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।